Hi, I am Sayyed Rashid. You are watching our YouTube channel name as Ahle Bait High School and Junior College. Here I am taking it like physics and chemistry for higher classes. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are learning like our class 8th physics chemistry and one of our chapter name as some natural phenomena. And as per the sequence, the chapter number is 10. So in that we have come across few things related to the some natural phenomena related to the charge. Positive charge, negative charge, and how the charge affect one body to the other body. That means if we are roughing one body and seeing the reaction with another body, what will happen, what the thing was went. Like this we have done with us. तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ. हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 8th की, ठीक है, जिसमें से चैप्टर यानी कि सबक नंबर हमारा 10 है, सम नेचुरल फिनोमिनास का नाम है. हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें नेचुरल फिनोमिना से पढ़ लिए थे, ठीक है, जैसा चार्ज किसे कहते हैं, उसमें चार्ज में दो रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता. और साथ ही साथ हमने जो चार्ज इफेक्ट कैसा होता है, यानी कि एक चीज़ को हम रफ करके दूसरी चीज़ की करीब लेके गए तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपल होगा, यानी उसका रिएक्शन कैसा रहता है वो हमने देख लिया था. नाउ अब हम एक चीज़ करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी नंबर 4. यहाँ पे आप एम लिख सकते, डायरेक्ट एम में हम क्या लिख सकते, एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिंग ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, एक डेमो करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे विथ अस. इसमें अपैरेटर में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्टी जैम बॉटल, कार्डबोर्ड, पेपर क्लिप, और पेपर क्लिप को आपको ओपन कर देना चाहिए. जैसा कि आप जानते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, पेपर क्लिप कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है, लेकिन हम ये इसको ओपन करके कुछ इस तरीके से इसको कर देंगे पेपर क्लिप को. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे. एल्यूमिनियम फाइल एक्सेट्रा, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी. इसमें हमको एल्यूमिनियम फाइल की भी ज़रूरत है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है. तो देखिए करना क्या है, ठीक है, एम्प्टी जैम बॉटल, यानी कि मैं एक छोटा सा डायग्राम जैसा यहाँ पे रफली ड्रॉ कर देता हूँ. हमने एक एम्प्टी यानी कि जैम बॉटल को ले लिया है, ठीक है, जैम बॉटल कुछ इस तरीके से रहेगा. हम एम्प्टी जैम बॉटल ले लिए. ले लेने के बाद क्या करना है हमको, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल, जो बॉटल का जो माउथ है उससे थोड़ा सा बिगर साइज होना चाहिए कार्डबोर्ड का जो हमने ले लिया. जैसा आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि उसके माउथ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए. पियर ए होल इन टू इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कुड बी इंसर्टेड, ओपन आउट द क्लिप एज शोन इन द फिगर 5. आप क्या कीजिए, इसके अंदर एक होल जैसा करिए, ठीक है. होल जैसा करने के बाद ये जो हमारी पेपर की क्लिप थी वो ले लेके आके हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे. तो पेपर क्लिप को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, देखिए, कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 × 1 cm, यानी कि 4 cm × 1 cm किसका साइज़ होना चाहिए, ये एल्यूमिनियम फॉइल का साइज़ होना चाहिए, उसको हमको कट करना है. ईच एंड हैंग देम ऑन दी पेपर, जो पेपर है उसके ऊपर हैंग कर दो, यानी कि वो एल्यूमिनियम के स्ट्रिप्स को आपको लटका देना है, लाइक ऑन दी पेपर क्लिप, जो पेपर क्लिप हमारा था यहाँ पे आप उसको लटका देंगे, यानी कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स है ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर हैंग हो जाएंगे. जो मैं आपको ग्रीन कलर से ऐसा सर्कल जैसा बना रहा हूँ उसको हैंग कर दीजिए. आगे क्या करना है देखिए, इंसर्ट दी पेपर क्लिप हैविंग द स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट परपेंडिकुलर टू इट एज शोन इन द फिगर. जैसा कि मैं भी आपको बताया, इस तरीके से उसको इंसर्ट कर देना है. वो क्या रहेगा, यानी कि पेपर क्लिप जो है आपको स्ट्रिप रहेगी, वो जो एल्यूमिनियम फॉइल को क्या है, परपेंडिकुलर रहेगी. जैसा आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर रहेगी, कौन सी भी चीज़ इस तरीके से अगर मिल रही है तो परपेंडिकुलर में आएगी. तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, पेपर क्लिप को परपेंडिकुलर है. चार्ज ए रिफिल एंड मेक इट टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, ऑब्जर्व व्हाट हैपन. अब क्या करिए, जो एक्सेट्रा था उसके अंदर एक चाहे तो हम एक्सेट्रा से पहले रिफिल भी लिख ले सकते हैं, रिफिल का भी यहाँ पे यूज़ है. ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ, आई होप
थोड़ा सा फीका दिख रहा होगा आपको, रिफिल भी आप लिख लीजिए, उसके बाद एक्सेट्रा लिख सकते हैं आप, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी। रिफिल ले लेके आइए और वो क्या करिए, टच करिए किसको, पेपर क्लिप को, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, यानी क्या हो रहा आपको चाहिए कि ऑब्जर्व करें। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, यानी एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा, डू दे रिपल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, नाउ ब्रिंग अदर चार्ज बॉडी एंड मेक देम टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब पहले केस में खाली रिफिल को हम टच करे थे, टच करके ऑब्जर्वेशन लिख लिए कि वो यानी कि रिपल हो रहा या अट्रैक्ट हो रहा। अब क्या कर रहे हैं, और एक एक चार्ज बॉडी को ले लेके आ रहे हैं किसके, पेपर क्लिप के करीब, फिर हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। डू द फॉइल स्ट्रिप बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस, कैन दिस अपैरेटर बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी और नॉट, कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्ट्रिप रिपल ईच अदर। द स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर एंड हैंस दे मूव अपार्ट। देखिए पहले केस में क्या होगा, केस वन में अगर चके जो एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप है, अगर चके उसको सेम चार्ज मिला रिफिल से तो उन्हें क्या होंगी, पेपर क्लिप से तो उन्हें क्या होती, रिपल हो जाती। जैसा हम सब जानते हैं कि सेम चार्ज मिलने पर रिपल्शन होता है। दिस डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, ये एक ऑब्जेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सी भी चीज़ में चार्जेस कैरी है या नहीं है। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, इस टाइप के डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अर्लियर डेज गोल्ड फॉइल इज यूज इन इलेक्ट्रोस्कोप, पहले क्या था, इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल गोल्ड की फॉइल को इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए। इन द अबव एक्टिविटी यू कैन ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट अ मेटल कंडक्टर। यहाँ पे इस एक्टिविटी से साबित ये हो रहा कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता, अगर चेके वो दोनों ही मेटल हो। जैसा कि जो हमारी रिफिल की जो रिफिल की निप होती है, निप वो मेटल की होती, पेपर क्लिप भी हमारा मेटल का ही है, एल्यूमिनियम फॉइल भी मेटल का है, तो इसमें क्या हो रहा, चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसके यानी कि सिमिलर डिवाइस, इससे मिलते जुलते से एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रोस्कोप हाउ इज इट मेड, तो ये 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता, तो आपको चाहिए कि आंसर देना चाहिए, ठीक है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विथ हैंड एंड यू विल फाइंड ए चार्ज इन द फॉइल स्ट्रिप, दे मूव क्लोजर एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। अगरचे कि हम पेपर क्लिप को हमारे उंगली यानी कि उंगली से टच करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम चार्ज फील करेंगे। इसमें क्या होता कि जो चार्ज होता है वो मूव होता यानी क्लोजर फिर कम बैक, यानी कि चार्ज में हरकत हो रही, देर इज एन मूवमेंट इन द चार्ज, रिपीटिंग चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विथ हैंड। अगर आप बार बार जो है अपने हैंड से पेपर क्लिप को टच करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो एल्यूमिनियम की फॉइल है वो कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी या फट जाएगी, कुछ इस तरीके से होता है। क्योंकि वाई डज इट्स हैपन, ये क्यों हो रहा, रीज़न क्या है, द रीज़न इज दैट द फॉइल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। We say that the foil strip are discharged. The process of transferring of charge from a charge object to the earth is called earthing. Earthing is provided in the building to protect us from electrical shock due to any leakage of electrical charge. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक shell है, suppose 1.5, अब मैं इसको समझाने के लिए ये मिसाल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1.5 वोल्ट का शेल है, हम ज़मीन पे ठहरे हुए हैं बिल्कुल नेक्ड लेग के साथ, यानी नंगे पैर अगर ज़मीन पे ठहरे हुए हैं और वो शेल को अपने हाथों से पकड़ लिए अपन, तो क्या होता कि थोड़ी देर के बाद वो शेल वीक होने लगता। क्यों वीक होने लगता, हमारे शेल के अंदर से एनर्जी ज़मीन के अंदर चले जाती, उस टाइप के प्रोसेस को, यानी कि जो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग।
कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रहता उससे ज़मीन की तरफ जो चले जाता है करंट, उसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग हमारे बिल्डिंगों में प्रोवाइड करते ताकि हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाए, अगर चेके कहीं पे अगर करंट वगैरह लीकेज है तो उसके वजह से हम वो करते। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग लाइक ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज को लेके आप एम लिख लेना है, सेम अपैरेटर्स ये रहता। एक फेयर डायग्राम में डाल रहा हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए आप देख सकते हैं। जब मैं रफ डायग्राम उतारा था, आप फेयर डायग्राम देखिए, आपको फेयर डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये एक परफेक्ट और फेयर डायग्राम है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। डायग्राम हटाऊं, जस्ट आई एम रिव्यूइंग द डायग्राम। डायग्राम मैंने रिमूव कर दिया, तो एम अपैरेटर लिख के डायग्राम लिखना है। आप रहा सवाल प्रोसीजर का, ठीक है, ये प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन को लेके मैं एक छोटा सा थ्योरी पार्ट आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप देख लीजिए। देख लीजिए बोल तो खाली देख लेते, लिखना कौन, मेक श्योर यू हैव टू राइट दिस आंसर, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आंसर फॉर 4 मार्क्स। और इसमें और 2 वर्ड्स भी आए हैं, एक इलेक्ट्रोस्कोप किसे कहते हैं और एक अर्थिंग। ये 2 आंसर अभी आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज अर्थिंग पूछा जाता, ठीक है। तो इसका भी मैं एक छोटा सा आंसर आपके स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे, ये दोनों का आंसर यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप और अर्थिंग का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा। हटा रहा मैं, जल्दी इसको पॉज करके लिख लो, अपना हटा दिया। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, नोट्स में आज की तारीख लिख लेना, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तारीख लिख लेके, आपका एक्टिविटी नंबर 4 लिख लेके, पूरा परफेक्ट लिख के आगे का ये 2 डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्कोप और अर्थिंग भी आपको लिख लेना है। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस बाई द रबिंग। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर देर विल बी अ फास्ट मूविंग ऑफ एयर करेंट। द क्लाउड मूविंग इन द एयर एक्वायर अ चार्ज ऑन देयर सर्फेसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ पार्टिकल्स ऑफ एयर। एज द सर्फेस एरिया ऑफ अ क्लाउड इज वेरी लार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन इट्स सर्फेस इज वेरी हाई। देखिए पहला सेंटेंस ये है कि इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन, यानी कि अभी ये मुमकिन है कि हम एक्सप्लेन कर सकते लाइटनिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, यानी कि जो चार्ज प्रोड्यूस होता उससे रिलेटेड। और चार्ज प्रोड्यूस कैसा होता, बाई रबिंग, रब करने से होता। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टोन, यानी कि जो एयर करेंट्स है, बादल है, किस तरीके से फॉर्म होते बनते आपने पढ़ा होगा। क्लाउड्स क्या करते, बहुत मूव होते, इसमें हवा में मूव होते और उनके पास चार्ज एक्वायर रहता, और साथ ही साथ उनकी एक सरफेस पे एक और एक फिजिकल प्रिंसिपल रहता हमारे पास, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो फ्रिक्शन रहता वो एयर पार्टिकल्स, वो फ्रिक्शन किसका रहता, फ्रिक्शंस ऑफ एयर पार्टिकल, यानी एयर पार्टिकल का फ्रिक्शन रहता। तो यानी कि अगर हवा पार्टिकल्स अगर इधर की साइड आना चाह रहे हैं तो हवा ढकल के उनको उधर की साइड ले लेके चल जाना चाहती, तो कुछ इस तरीके से रहता। तो यहाँ पे क्या होता, उन लोगों का जो एरिया ऑफ क्लोज है, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, बहुत लार्ज रहता। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट होता इस टाइप में, ये बहुत हाई बन जाता, वेरी वेरी हाई बन जाता। व्हेन ए चार्ज क्लाउड कम्स क्लोजर टू अनदर क्लाउड इट्स इंड्यूस्ड एन ऑपोजिट चार्ज ऑन लेटर एंड द एक्यूमुलेशन चार्ज ट्राई टू मूव फ्रॉम 1 क्लाउड टू अनदर क्लाउड, बट द एयर प्रेजेंट बिटवीन देम ब्रिंग्स अ पूल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन देम। When the magnitude of the accumulation charge become very large, the air which is normal a poor conductor of electricity is no larger able to resist this flow. Hence discharge take place between negative and positive charge which produce strike of bright light and sound we see strike as lightning. The process is called as electrical discharge. जैसा कि आपको पता है कि जो clouds के अंदर, अब मैं आपको example लेता हूँ, अब ये मेरा cloud है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पूरे चार्जेस रहते, और एक एक क्लॉट है, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अलग अलग चार्ज रहते। तो ये 2 क्लॉट्स एक साथ मिल गए, तो मिलने के बाद क्या होता, एयर क्या है, इन दोनों को मिलने के बाद यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने से रोकती, लेकिन कब तक रोकेंगी, एयर के पास भी जो रेसिस्टेंस रहता एक हद तक ही रहता, अप टू दी
लिमिटेड मार्क, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें भी छोड़ देती। जैसे ही दो क्लॉट्स मिलके आते पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहती और उनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रहता बहुत बड़ा रहता, यानी कि इतना इतना एरिया नहीं रहता वो। सपोज आपको बता सकता हूँ मैं, 1 किलोमीटर के एरिया के जैसा इतने बड़े बड़े क्लाउड्स रहते हैं हमारे पास। वो एक साथ आपस में एक दूसरे को मिलते, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने के बाद एक यानी कि स्पार्क सा होता, जिसी उसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग क्या है, एक बहुत दोनों क्लाउडों के चार्जेस जो रहते वो मिलने से लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग का एक सिंपल डेफिनेशन है, वो मैं आगे बताता हूँ। बिफोर दैट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किसे कहते हैं, एक और एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ गई, ये भी एक आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, CHARGE। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस विच प्रोड्यूस स्ट्रेक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, वी सी स्ट्रेक एज लाइटनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो ये जो आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो एक खुद रीडर ब्राउज कर सकते हैं, आप रीडर में से वो देख सकते। नेक्स्ट है, अब ये जो लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग के नुकसान आते यानी कि इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, और साथ ही साथ ब्लू मार्कर यूज़ नहीं कराना अभी तक मेरे लेक्चर में, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, और साथ ही साथ आपको इससे प्रिकॉशन यानी कि बच कैसा जाते, प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट कैसा हो सकते हैं हम, ये दो चीज़ों को हमको समझना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैन बी अकर बिटवीन 2 or more क्लॉट्स और बिटवीन क्लॉट्स एंड द अर्थ। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्रिडनेट्स बाई लाइटनिंग लाइक दी एंसेंट पीपल डिड। नाउ वी अंडरस्टैंड द फिनोमिना। देखिए अब ये जो दो बादला हैं एक दूसरे को मिलके चार्ज होते, नेक्स्ट चीज़ होती कि जो पहाड़ा रहते माउंटेन्स रहते, ठीक है, माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े रहते, ज़मीन के अंदर एक चार्ज है सपोज पॉजिटिव चार्ज है, क्लॉट के अंदर नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिले तो भी क्या होता, ये चीज़ होती। अब हम इस चीज़ से क्या है, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, ये एनेसेंट पीपल्स थे जो डरते थे, अब हमको इसके पीछे का सीक्रेट यानी कि फेनोमिना मालूम हो गया, ये आपके रीडर का स्टेटमेंट है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग, हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। यहाँ पे लाइटनिंग से हमको क्या हो सकता, जैसा मैं बोला था ऑल लाइफ और प्रॉपर्टीज़ दो चीज़ें डैमेज हो सकते, तो इसको डैमेज नहीं होने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी लाइटनिंग सेफ्टीज विच इज़ द सेफ प्लेस ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, यानी कि थंडर स्टॉर्म जब भी हो रहा तो सेफ प्लेस क्या है उसके बारे में देखेंगे। ए हाउस और अ बिल्डिंग ऑफ लो हाइट, यानी कि अगर फुल अगर आपको लाइटनिंग्स आ रही तो वैसे जगहों पर आप ऐसी घर में जाइए या फिर ऐसी बिल्डिंग में जाइए जिसकी हाइट कम होनी चाहिए, यानी कि बहुत ड्रोन यानी गिड्डी बिल्डिंग होनी चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन बस और कार यू आर सेफ इनसाइड प्रोवाइडेड दैट डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज्ड। ख्याल रहे कि अगर आप जंगल का इलाका रहता फॉरेस्ट, तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप बस या कार के अंदर है तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन शर्त क्या होनी है, इसके अंदर पूरे डोर्स और विंडोज पूरे क्लोज होनी चाहिए, पैक कर देना पूरा बस हो या कार हो। अरे सर हवा कैसा आएंगी बोलते, अब हवा कैसा आएंगी बोलते, हवा के वास्ते छोटा मोटा होल रख सकते हैं, फैन रख सकते, आप कुछ और जगह जरिए से भी हवा को लेके आ सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ें तो एसी भी होते हैं हमारे पास ट्रैवल में, आजकल कार्स और बस एसी के भी अवेलेबल है। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री देन ए टॉलर ट्री इज अ गुड आइडिया ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। अगर आप जंगल में रह गए और आपको अचानक से थंडर और स्टॉर्म्स आ रही तो वैसे टाइम पे आप क्या करिए, छोटे से झाड़ों के नीचे आप अपना शेल्टर लीजिए रैदर देन टेकिंग द शेल्टर ऑन टॉलर ट्रीज, यानी टॉलर ट्रीज के पास आपको अपना शेल्टर लेना नहीं चाहिए, छोटे से ट्रीज पे आप ले सकते हैं। विच इज़ नॉट अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, यानी थंडर स्टॉर्म में यानी कि कौन सी जगह है जो सेफ नहीं है। ट्रैवलिंग इन एन ओपन प्लेस, यानी ओपन प्लेस के अंदर ट्रैवल होना ये आपको अच्छा नहीं है। स्टैंडिंग अंडर टॉल ट्रीज इन ओपन फील्ड और इन गार्डन और पार्क, यानी कि गार्डन्स है पार्क है उसके पास क्या करें आप, बड़े बड़े यानी कि ओपन ट्रीज में ठहरे हुए है, यानी कि ओपन गार्डन है टॉल ट्रीज के नीचे ठहरे हुए। स्टेइंग इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग विच डू नॉट हैव लाइटनिंग कंडक्टर, यानी आप ऐसी बिल्डिंग में ठहरे हुए हैं जिसके पास लाइटनिंग कंडक्टर अवेलेबल नहीं है।
स्टैंडिंग नियर इलेक्ट्रिकल पोल्स और टेलीफोन पोल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोल के करीब ठहरे या फिर आप टेलीफोन पोल के करीब ठहरे, ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता। स्पीकिंग ऑन लैंडलाइन फ़ोन, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, लैंडलाइन फोन्स के ऊपर स्पीक करना आपके लिए हार्मफुल क्यों होता, क्योंकि हमारे जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं वो वायर की मदद से जाएंगे, अगर वायर के अंदर अगर करंट आ गया तो ऐसा हो सकता कि पूरा करंट आपके टेलीफोन तक भी आ सकता, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता, बट एज एन प्रिकॉशन हमको लेना ही पड़ेगा। यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कम यानी कि अप्लायंसेस लाइक टीवी एंड कंप्यूटर, एक्चुअली ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मुझे ये दो पॉइंट्स लास्ट के थोड़ा सा इनिशियली समझने नहीं आते थे कि मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, मैं तो मेरे घर में क्लोज हूँ, बाहर बिजली कड़की तो कैसा, क्योंकि वो वायर का है तो लैंडलाइन फ़ोन पे नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें से चार्ज पास हो सकता। सेकेंड चीज़, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे एक फ्रेंड है जिनका जो होम है फ्लैट टाइप से, आपको तो पता है थर्ड फ्लोर पे था, तो उनके एज वी आर यूजिंग LEDs और LCDs ऑन वॉल, हम दीवार पे LCDs या फिर LEDs को लगा दे रहे हैं, तो जब उनका TV चल रहा था अचानक से, तो उनके घर में एज यूजल LED चल रहा था, LCD जो भी है, तो अचानक से तो लाइटनिंग थंडर स्टार्ट हो गए, होते ही उनका LED TV उड़ गया, यानी उसके अंदर की जो सर्किट थी इट विल टोटली वैनिश हो गई, तो कुछ इस तरीके से। तो जब मेरे को समझ नहीं आया, अरे हाँ, तो थंडर और लाइटनिंग जो होते हैं जब ये हो रही तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर्स में से एक डिज़ास्टर्स है विच के नॉट बी स्टॉप बाई द ह्यूमन काइंड, हमारी इंसानी जो है चीज़, हम इंसान इसको रोक नहीं सकते, ये एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे पास, ये तो हो गया हार्मफुल इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं और इसको प्रिवेंट कैसा कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रिवेंट कैसा हो सकते हैं अपन। एक प्रिवेंशन है जो हम घरों में रहते हैं, यानी कि होम में रहते, घरों में रहने के बाद अपने आप को प्रिवेंट, यानी अपने घर कुछ कैसा प्रिवेंट कर ले, यानी कि घर कुछ प्रिवेंट कर ले, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ रहती है जिसको हम बोलते लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या रहता है, देखिए एक यानी कि बड़ा सा रॉड, मैं ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाते हुआ एक इमेज बता देता हूँ, आप इमेज देख रहे होंगे यहाँ पे, ये इमेज में आपको एक घर दिख रहा, घर के साइड में पूरा नीचे तक मेटल का एक बड़ा रॉड दिख रहा, तो उसी को हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर आप जैसा कि विजुअलाइजेशन देखें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यानी कि मदद मिली होगी। अब थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ लेके आगे ये लाइटनिंग कंडक्टर की टॉपिक क्लोज कर देंगे। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, अ मेटल रॉड टॉलर देन दी बिल्डिंग इज इंस्टॉल इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जैसा आप देख सकते हैं आपके इमेज में भी आपने देखा था, लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है, ठीक है, जो यूज़ होता प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग्स को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, जो लाइटनिंग है उसके इफेक्ट से, और एक मेटल रॉड रहता जो बिल्डिंग से भी बढ़ के टॉलर रहता, उसको इंस्टॉल किया जाता ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए यानी कि यूज़ करते, उसको इंस्टॉल कर देते। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज ब्लर्ड डीप इन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, द रॉड प्रोवाइडेड एन ईजी रूट फॉर अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। जैसा भी आप डायग्राम में देखे थे कुछ सेकेंड्स पहले, ये जो रॉड होता है उसका ऊपर का हिस्सा हवा में छोड़ दिया जाता, ठीक है, और दूसरे हिस्से को क्या करते, ज़मीन के अंदर गाड़ देते यानी कि खोद के, और इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इजी रूट मिल जाता है उसको ट्रांसफ़र होने में, अगर कुछ लाइटनिंग आ रही तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर उसको लाइटनिंग को खींच लेगा यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ज़मीन पर ले जाकर डाल देता। द प्रोजेक्ट एंड्स ऑफ द मेटल रॉड इज एट द हाइट मोर देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हैंस इट्स रिसीव द चार्ज फर्स्ट ड्यूरिंग द लाइटनिंग बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द क्लाउड देन द बिल्डिंग, एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अलाउ ऑल द चार्ज टू फ्लो थ्रू इट्स देयर बाई कॉजिंग नो डैमेज टू द बिल्डिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा कि जैसा कि ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्टेड है बिल्डिंग से ऊपर, तो बिल्डिंग से ऊपर जब उन्हें प्रोजेक्ट है तो बिल्डिंग और क्लॉट से खरीब कौन होता, कंडक्टर खरीब, यानी कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो खरीब हो जाएगा बिल्डिंग और क्लॉट के बीच में, यानी बिल्डिंग को तक लाइटनिंग को रीच करने में पहुँचने में लाइटनिंग कंडक्टर से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो वैसी सूरत में क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर रिसीव कर लेगा, रिसीव कर लेने के बाद उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ज़मीन के अंदर
स्प्रेड कर देता। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेटल के रॉड्स रहते बिल्डिंग में लगे हुए रहते, साथ ही साथ आपको टैप्स रहते मेटल के, वो भी काफ़ी हद तक चार्ज को अपने अंदर ले लेके डिस्प्ले कर देते। और ख्याल रहे, वन मोर प्रिकॉशन यू हैव टू टेक केयर, एक और प्रिकॉशंस आप ले लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग रह रही और मौसम लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप ख्याल रहे कि जो मेटल के टैप्स रहते हैं हमारे पास जो टांकी से कनेक्टेड रहते, तो उसको देख समझ के यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर भी चार्ज पूरा खींच के आ सकता। दैट टू आर रेयर केस, ये भी जो है रेयर केस है, जैसा मैं आपको बोला वन ऑफ दी रेयर केसेस में रहता। लेकिन जब भी लाइटनिंग हो रही तो मेटल के चीज़ें जो टैप्स है वो यूज़ करते समय ध्यान रहना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। आज के सेशन में और आज की क्लास में इतना काफ़ी है। वी विल जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू अवर लाइक 8th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सम नेचुरल फिनोमिना इन अवर नेक्स्ट सेशंस। यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल नेम एस अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स टीचर एंड लेक्चरर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेन नोट्स, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।